मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, जिसको आप होलोस्फीयर भी बोल देते हो। किसी चार्ज स्फेरिकल सेल पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो लेट अस कंसीडर ए सेल इस तरह से, कोई स्फेरिकल सेल आपने कंसीडर कर ली, लिखते रहो साथ ही साथ आप इसमें, और लेट आर इज द रेडियस ऑफ दिस सेल, आर इस सेल की रेडियस है। अब आपने किया क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरह से मान लिया, और चार्ज कितना दिया गया है इसको, क्यू, क्यू चार्ज आपने इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट एनी वेयर आउटसाइड द सेल, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट आउटसाइड द सेल एनी वेयर, कहीं पर भी हम पॉइंट पी कंसीडर, तो मैं मान लिया यहाँ पर एज्यूम कर लियो, यहाँ पर कर लियो आप, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट सम डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे कंसीडर किया हमने इसको, आर डिस्टेंस, ये सेंटर हो जाएगा, ओ इज़ द सेंटर ऑफ दिस, तो ये हमने इसको स्मॉल आर मान लिया यहाँ से यहाँ तक की पी पॉइंट को, वैसे भी आमतौर पर हम स्मॉल आर ही मानते आए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि आल पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर है, तो आल पॉसिबल डायरेक्शन में देगा तो निकाल के, तो इस तरह से हम इसके सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रखा है, गॉसियन सरफेस क्या होगा, जिसके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू एक समान होगी, तो ये कोई गॉसियन सरफेस है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है सर, अब पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्सन आपकी, तो ये फिर आपका रिपेल कर देगा, ये इस तरह से आपका रिपेल कर देगा। तो हमने मान के चले हैं कि कोई स्फेरिकल सेल है, पॉजिटिव के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके सरफेस के ऊपर, कोई गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर कर लिया, और ये इसके एलोंग में इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा आपका, जिसको डी एस बोलते हो, या एन शेप दिखाया जाता है, ये ए शेप दिखा देते हैं इसको। अब तीन रीजन बन गए, वही प्लेन सीट ऑफ जो टू पैरल सीट वाली थी, वही तीन रीजन बन गए थे, लेफ्ट राइट और इनसाइड में, तो वही काम है इसका। ये सेल थी आपके, तो इसके आउटसाइड में, समझ गए, सेकेंडली आपके इसके सरफेस के ऊपर सेल आपकी ये थी, और तीसरा इसके इनसाइड में, तीनों भागों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखो पहले। तो अब हम क्या करेंगे कि जो इंटेंसिटी है आपकी वो आपने निकालनी है, तो पहले निकालेंगे फील्ड आउटसाइड अकॉर्डिंग या यूजिंग गॉस थ्योरम का प्रयोग करके आपने निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, फाइंड आउटसाइड द सेल, फील्ड आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड में, तो लगा दो आपके पास थ्योरम तो है, तो ई इंटू में डी एस शुड बी इक्वल टू, अब ई इंटू में डी एस आपने ये देखना किसके बराबर होगा, इसको खोल लो पहले, तो ये बन जाएगा आपका ई डी एस, ये क्लोज का निशान है, का मतलब क्या है, टोटल सारा, तो ई इंटू डी एस कोस थीटा। अब बात करें आउटसाइड की, आउटसाइड का केस है ये, यहाँ पर ये दोनों एलोंग में है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपकी ये है, यानी दोनों की डायरेक्शन आपके आउटवर्ड सेम है, तो थीटा बैंक पैरेलल में एंगल जीरो बनेगा, कोस जीरो वन हो जाएगा, तो यहाँ से आपने देखा कि ई डी एस कोस थीटा, थीटा जीरो डिग्री का है, बिकॉज ई एलोंग में है डी एस के एरिया वैक्टर, या एरिया वैक्टर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, आप ये भी कह सकते हो वही एरिया वैक्टर होता है जो सरफेस पर परपेंडिकुलर, तो कोस जीरो हो जाएगा वन, तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास कितना, ई डी एस, क्लियर। अब आपने यहाँ से करना क्या है, डी एस की वैल्यू पुट कर लो, एज अ गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स है शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करो तो यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएंगे। अब सिचुएशन क्या है कि ई को तो आप बाहर निकाल लो, बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल इसका जो टोटल एरिया सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वेयर। अब ध्यान आपने रखना है कि आर कौन सा लें, एक छोटा आर है एक बड़ा आर है, आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे वो स्मॉल आर में मानी गई है, क्योंकि ओ से पी आपने स्मॉल आर मान रखा है, तो ये हो जाएगा फोर पाई आर का स्क्वेयर, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिमेंट आपने कंसिडर किया था जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हो, पूरी के एलिमेंट का रखे थे, टोटल अमाउंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दिया इसका, क्योंकि जो टोटल फ्लक्स होंगे जिसके बराबर होंगे ना, तो ई इंटू में डी एस की वैल्यू कितनी होगी, फोर पाई आर स्क्वेयर शुड इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एक रिजल्ट आएगा इसके बराबर। अब हम करेंगे क्या, सेकंड केस में आप यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालना भी चाहो तो ये उरली साइड में आ जाएगा। अब आपने आगे करना है कि जो सेकंड सरफेस है इसका उसमें से कितने फ्लक्स पास हो पा रहे हैं, ये तो हमारा एक आएगा सेकंड केस में, यानी फील्ड आप निकालोगे ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पे अगर सेल का सरफेस तो ये था, तो इसका मतलब ये सारी सिचुएशन फिर यहाँ पर होती, तो क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर तो वही अलोंग में है दोनों, एंगल तो वही जीरो का बनता, एक डिफरेंस आता, पहले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की थी, अब डिस्टेंस फिर यहाँ से यहाँ तक की हो जाती, इतना फर्क पड़ता,
तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ के सरफेस पे निकालोगे तो जो आर है आपका वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप इस स्मॉल आर को कैपिटल आर में रिप्रेजेंट कर लो, तो 4 पाई इंटू में आर का स्क्वेयर बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरी वैल्यू भी हमने निकाल दी, सेल के आउटसाइड में निकाल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के सरफेस पे निकाल दिया। जो थर्ड केस है आपका इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड में निकालोगे, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि चार्ज आपका जीरो होता है, नो चार्ज इनक्लोज होगा, यानी जो आप कह सकते जितना नेट पॉजिटिव चार्ज होता है नेट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो भी मैंने आपको बताया भी था, जैसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज के केस में अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो आपकी, या पर तो सरफेस एक गॉसियन है यूनिफॉर्म तो वैसे ही पानी एक समान, तो फिर वो आपके सिग्मा वन माइनस सिग्मा जो टू था, तो सिग्मा सिग्मा पुट करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से। तीसरा आपने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड था पहले एक्सिस पे निकाला था फिर सेल के इनसाइड में, तो एक्स को आपने जीरो पुट किया था वहाँ पर भी ई की वैल्यू जीरो हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की हुई कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि कोई भी चार्ज आपका इनक्लोज नहीं होगा। तो तीनों केस हमने कर दिए, आउटसाइड में इतना रिजल्ट आया, सरफेस पर निकाला तो इस कैपिटल स्मॉल आर को कैपिटल आर में कन्वर्ट कर दिया, इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही। तो अब आपका मतलब क्या हुआ, केस था सेल का, सेल ये थी, ये सेल थी आपकी, ये पॉइंट पर आउटसाइड में था, यानी सेल का केस रिजल्ट आपका इतना आ चुका है। तो यहाँ से आप इसका मतलब हमारा रिजल्ट ये हो गया फिर, तो ई का तो ई रखा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब सेल है सरफेस पे चार्ज है तो सिग्मा बराबर है डी क्यू बाई डी एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाओ तो डी क्यू हो जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू में डी एस। टोटल आप निकालोगे या इंटीग्रेशन कर लो आप इसका दोनों साइड में, तो डी क्यू का क्या जगह क्यू, सिग्मा का सिग्मा, डी एस कितना आ जाएगा फिर वही 4 पाई आर स्क्वेयर, जो डी एस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वेयर टोटल जो इसका, तो ई इंटू में इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर आपकी ई बराबर है क्यू की वैल्यू आपने पुट कर दी, कितनी पुट कर दी सिग्मा इंटू में डी एस, डी एस है 4 पाई आर का स्क्वेयर बाई में 4 पाई आर स्क्वेयर बाई में 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ई का जो रिजल्ट बजाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना होगा आपका रिजल्ट, तो सेल का जो सरफेस है उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका ई इज इक्वल टू सिग्मा क्या है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इन तीन ऑब्जर्वेशन से अगर हम इसका ग्राफ बना के देखें, मान लिया ये डिस्टेंस है आपके अलोंग एक्स एक्सिस और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने तीन केस देखे कि पहले केस में ई जो था वो आपके इन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, सेकंड केस में जब आर आर के बराबर हुआ तो क्या रिजल्ट आया, तो मान लिया इस स्टेज के ऊपर जो आर है आपका वो आर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो ई है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आर की वैल्यू घटती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ आपका बनेगा इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, ओरिजिन के ऊपर जीरो हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है इस स्टेज के ऊपर क्योंकि आर आर के इक्वल है, और जो ही आप इस आर से आगे बढ़ते जाओगे तो फिर इंटेंसिटी की वैल्यू घटती जाएगी, यानी ग्राफ जो आपका गिरता जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इन साइड में दिखा रहा है कि ई जीरो के बराबर है और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आर आर के बराबर है। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। तो ये था आपका सेल का केस में।